नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद वाहन जांच के दौरान 10 लाख नकद कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। निरसा विधानसभा के झारखंड बंगाल के सीमावर्ती मैथन थाना क्षेत्र के मैथन चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान सीआरपीएफ ने एक हुंडई कार से 10 लाख रुपए नकद बरामद किया है, जिसे मैथन पुलिस ने जब्त कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र के सभी थाना में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैथन चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बंगाल से आने वाली गाड़ी संख्या JH10BZ5841 हुंडई कार को रोका, जहां जांच में 10 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि कार में सवार दो व्यक्ति संजीव यादव और मनोज कुमार हाड़ी धनबाद जिला के बरवड्डा स्थित हिमंता सिम का ट्रक शोरूम का मैनेजर है, जो किसी काम के सिलसिले से नकद रूपा पश्चिम बंगाल के बराकर से लेकर जा रहे थे। इसी दौरान जांच में नकद रुपया पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि पुलिस बरामद कैश को जब्त कर जांच पड़ताल कर रही है। बरामद कैश को लेकर मैथन पुलिस आईटी विभाग से संपर्क साध रही है। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट।